हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से एनी टाइम जीके फैमिली में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच जो है पादप हार्मोन्स के बारे में बता रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई सारे एग्जाम में इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछता है और हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आज आप एक ही ट्रिक में सारा हार्मोन्स और उनके वैज्ञानिक को याद कर लेंगे जो इनको खोज किया था। इसलिए आज चलिए नौ देरी करते हुए मैं अब आगे वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों के बीच समझाने का भी कोशिश रहा हूं। जैसे कि आप देखिए, ट्रिक्स है कि पापा जी, देखिए पापा जी, सॉरी यहां पर पापा याद रखिए, केवल पापा आशा जी अब एथिलीन लाया, पापा आशा जी अब एथिलीन लाया। और इसी में याद करना है डाली में कुकाएं और बर्ग है, डाली में कुकाएं और बर्ग है। यहाँ पर पा से आपको याद रखना है पादब, आ से आपको रखना है ऑक्सिन्स हार्मोन्स, सा से आपको रखना है साइटोकाइनिन, जी से आपको रखना है जिबरेलिंस, एफ से आपको रखना है एब्सिसिक हार्मोन्स। उसी प्रकार एथिलीन से आपको रखना है एथिलीन। तो यहाँ पर आप एक ट्रिक पहले देख लिए कि पापा आशा जी एब एथिलीन लाया, पा से आपको पादप हुआ, पादप हार्मोन्स है, आ से ऑक्सिन्स, सा से साइटोकाइनिन, जी से जिबरेलिंस, एब से एब्सिसिक, एथिलीन से एथिलीन। यहाँ पर इसका जैसे कि पादप हार्मोन्स ऑक्सिन्स हार्मोन्स का खोज किसने किया, तो डार्विन, ली से होता है लिथाम, ये जो है साइटोकाइनिन का खोज किया लिथाम एवं मिलर, ये दोनों मिलकर खोज किया। देखिए यहाँ पर लिथाम जो है इसका नामकरण किया, लेकिन मिलर जो है आपको साइटोकाइनिन हार्मोन्स की खोज किया। इसी प्रकार जिबरेलिंस जो है इसका खोज कुरोसावा ने किया, कु से आपको कुरोसावा, और कुरोसावा जो है जिबरेलिंस हार्मोन्स की खोज किया। का से आपको याद रखना है कांस एवं एडी कोट, ये जो है एब्सिसिक हार्मोन्स की खोज किया, ये जो है किस हार्मोन्स का किया, एब्सिसिक हार्मोन्स का खोज किया। इसी प्रकार आपको एथिलीन का जो है खोज किसने किया, एथिलीन का खोज बर्ग किया। यहाँ पर आपको जैसे कि पूछ देगा कि बताओ ऑक्सिन्स हार्मोन्स की खोज किसने किया, तो डार्विन, जिबरेलिन हार्मोन्स की खोज किसने किया, कुरोसावा। इसी टाइप से आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग अगर लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेट मिलता है और मैं इसी तरह आप लोगों के बीच और वीडियो लाऊँगा और आप लोगों के बीच हमेशा उपस्थित रहूँगा। अगर आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो मुझे उससे लगता है कि एनर्जी लॉस हो गया है, इसलिए आप ज़्यादा नौ देरी करते हुए एक लाइक ज़रूर करें, उसके बाद वीडियो से ही जाए। धन्यवाद।